हाय हाय एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे चाचा हम लोग को लेके जा रहे हैं होटल में भोजन का भोजन कराने। उसका नाम है ला इन्फर्नो। सॉरी, हम लोग काले दिख रहे हैं, हमको ना ही देखे, हम सीधा होटल में मिलते हैं आपको। ओ, ये रही वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग आज आए हैं, ला इन्फर्नो। हमारा यहाँ पे है ये, देख सकते हैं आप, बढ़िया प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इसका सीटिंग एरिया है, क्योंकि विंटर का टाइम है और रात का समय हो चुका है। रात के बज रहे हैं 9:30 हो रहे हैं। मॉर्निंग 9 o'clock से लेके नाइट 10 o'clock तक इसका रेस्टोरेंट खुला रहता है। बाकी इसके होटल्स हैं, क्योंकि उनके मैनेजर साहब ने बताया है, उनका मैं एक छोटा सा इंटरव्यू में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। हाईवे की मैं बात कर रहा था, वो ये हाईवे है, नेशनल हाईवे 31। इस तरफ का रोड जो है गाजीपुर होते हुए गोरखपुर की तरफ निकलता है। ये रोड वाराणसी सिटी जाता है, आगे सारनाथ भी है और रिंग रोड भी है नया वाला जो एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। यहाँ बहुत पास में ही अराउंड 50 to 100 meters पे एक और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि अभी तो फिलहाल उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन हो गया है और 2024 में बोला जा रहे हैं कि वो खुलेगा। आप उसका ऊपर का टूम देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी रोड पे आगे बढ़ने पे आपको मार्कंडेय महादेव जी का मंदिर मिलेगा, जिसका एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं चैनल पे। जा रहे हैं अंदर का, जो भी हम लोग को खाना ऑर्डर करेंगे वो उसके सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। और बाकी आप देखिए, हम अभी भी आ गए हैं, मम्मी आज बहुत सही है, तो इनके आने की खुशी में हम लोग आए हैं। रेस्टोरेंट दावत मिल रहा है भाई, दावत दावत में इष्ट है। ये बेसन है हाथ पैर धोने के लिए, अच्छी खासी होती है। सेल्फी ले लिया, वीडियो सेल्फी एक और लेते। यहाँ पे आप इनके लिए फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको खाना कैसा लगा, बहुतों ने यहाँ पे फीडबैक दिया हुआ है। आपने देख लिया होगा मैंने ऑर्डर किया है पनीर बटर मसाला, पनीर 2 प्याज़ा। एक गुनगुन
इनको आप देख चुके हैं लास्ट वीडियो में हमारे, ये भी आके आज यहाँ खा रहे हैं। ये दूसरे अंकल हमारे, कैसा लग रहा है आपको खाना? सर्विस भी टाइम पे हुआ, खाना भी टाइम से मिल गया ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे, इधर आना चाहिए कि नहीं पब्लिक को? अरे आना चाहिए, जब उसमें क्या बोलना है, हम लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ओके हाँ, तो अब बोलिए आपकी इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बताइए, कुछ इन्फॉर्मेशन सब लोग जान जाए तो आएंगे यहाँ पे। नरेंद्र, तो पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। जी नमस्ते, नमस्ते जी। जो आपने यहाँ पे लाइन फर्नो हमारी प्रॉपर्टी में आए फर्स्ट टाइम, आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? बहुत बढ़िया था, एम्बियंस भी अच्छा था, प्लस सर्विस भी बहुत अच्छी थी, कोई डिले नहीं था। फूड क्वालिटी कैसी थी? फूड क्वालिटी बहुत बढ़िया था, बहुत। मैं तो खाने के बाद अलग से पार्सल भी लेके जा रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ आपको, क्या मैं रिव्यू दूँ। सर, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है लाइन फर्नो, जो कि 21 मई 2022 में ही ओपन हुई है, और हमारा जो टी पोस्ट है बाहर, तो वो हमारी फरवरी में ओपन हो चुकी थी। अभी रिसेंटली हमारा बैंक्वेट ओपन हुआ है, जो कि 300-400 कैपेसिटी का है। अभी अवेलेबल हमारे पास 10 रूम्स हैं, जो कि मिनिमम सोल्ड आउट की में चले जाते हैं। जो कि हम लोग का ये जो होटल है लाइन फर्नो, तो ये पहले रेस्टोरेंट है, अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं होटल में। ओके, जो इसका एड्रेस है उमराहा, उमराहा यहाँ से नियर में 100 मीटर में आपका सर्वोदय महामंदिर है, आपका 1.5 किलोमीटर में मार्कंडेय महादेव हैं, और यहाँ से रिंग रोड बाबतपुर आप आराम से अच्छे से आज याद हो सकते हैं। अच्छा जी, सही बात, चलो। ये तो है कि हाईवे से बहुत कनेक्टेड है, सामने सामने, ये कोई अंदर जाना नहीं है। ये तो मैंने भी नोटिस किया जब मैं आया तभी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पे, सुनने पर ही आया कि एक से सुना था कि इधर है कोई होटल, तो सिटी जाने की ज़रूरत नहीं, इधर ही फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो फिर मैंने भी जब नोटिस किया कि एकदम हाईवे पर ही है, तो इस प्रॉपर्टी को चूज़ किया। सबसे ज़्यादा हमारे ओनर संगीता मैम और देवेंद्र प्रताप सर को जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड करते हैं। जबकि मुझे इन्होंने मैनेजर पोस्ट पे रखा था, तो उनका मुझे सबसे ये अच्छा लगता है कि हमारे साथ वो लोग खुद वर्क करते हैं। जबकि उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बनाने में, जहाँ अगर मुझे लगता भी है कि मैं कभी कभी निराश भी होता हूँ गेस्टों की वजह से, कि मैं भी, तो उनका कहना होता है कि आदित्य जी आप निराश ना हो, अगर गेस्ट आज नहीं है तो कल आएंगे, आप बस अपनी सर्विसेज को अच्छे रखें। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि हर कोई गेस्ट जो भी है आज आ पाए, कल कोई और आएगा, जैसे सब गेस्ट हमारे अतिथि देव भव हैं, तो हम लोग इनको हमेशा उसी साथ के साथ रिस्पेक्ट करना, उनकी वेलकमिंग करना, उनको फूड क्वालिटी सर्विस करना, ये हम लोग हमेशा वो करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है सर। फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से फिर एक बार और विजिट करें। ज़रूर ज़रूर। अंकल आंटी को मेरा नमस्कार। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो जैसे कि हमने आपको इनके जो मैनेजर थे उनका एक इंटरव्यू भी दिखाया और प्रॉपर्टी भी दिखाई। ये प्रॉपर्टी है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और हाईवे से बिल्कुल सटी हुई है, कहीं दूर जाना नहीं है। तो मेरा दावा तो यही है कि आपको आके इस प्रॉपर्टी को ज़रूर विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए इस प्रॉपर्टी में क्या है क्या नहीं।